सब्सक्राइब करें अफरीन मेहंदी डिजाइन चैनल को, दबाइए बेल आइकन लेटेस्ट मेहंदी वीडियोस सबसे पहले देखें। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। मेरे फाइनली 15,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए और ये आपके प्यार के और सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं था। और आप मेहंदी क्लास डे वन की वीडियो को इतना सारा प्यार, सपोर्ट्स और प्यारे प्यार कमेंट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और माफी चाहती हूँ कि आपको मेहंदी क्लास डे वन में जो म्यूजिक की वजह से प्रॉब्लम हुई है वो मैं कोशिश करूंगी कि आने वाली वीडियोज में ना हो। और अगर आप ये मेरी पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इससे पहले भी मैंने मेहंदी क्लास डे वन और डे टू की वीडियो अपलोड की हुई है, तो आप जाके देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। ये वीडियोस बिगनर्स के लिए है जिन्हें बिल्कुल भी मेहंदी लगाना नहीं आता है, ये वीडियो प्रोफेशनल के लिए नहीं है जिन्हें मेहंदी लगाना आता है, क्योंकि मैं इसमें बेसिक चीजें आपको बता रही हूँ जो बिल्कुल बेसिक है, बिगनर्स है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो काफी लोगों ने ये सवाल पूछे है कि मेहंदी का कोन होल्ड कैसे करे। प्लीज मैम आप बताएं, मेहंदी के कोन होल्ड करने का कोई एक ऐसा तरीका है ही नहीं कि ये यही सही तरीका है और इसी तरह से कोन पकड़ना चाहिए। सबके मेहंदी के कोन पकड़ने के तरीके अलग अलग होते हैं। जिस तरह से हम स्कूल टाइम में पेंसिल या पेन पकड़ते थे तो सब अलग अलग तरीके से पकड़ते थे, उसी तरह मेहंदी का कोन भी सब अलग अलग तरीके से पकड़ते हैं। कोई एकदम ऊपर से पकड़ता है, कोई मीडियम से और कोई एकदम पॉइंट के पास से। अब मैं किस तरह से कोन पकड़ती हूँ मैं वो आपको बताती हूँ। मैं बिल्कुल जिस तरह से हम पेंसिल पकड़ते थे उसी तरह से, मैं जिस तरह से पेंसिल पकड़ती हूँ उसी तरह से मैं मेहंदी का कोन पकड़ती हूँ। अब मेहंदी का कोन आप अगर बिगनर्स आपको समझ नहीं आ रही किस तरह से पकड़े, तो आप बस सिंपल सा आप जिस तरह से पेंसिल या पेन पकड़ते हैं बस उसी तरह से आपको मेहंदी का कोन होल्ड करना है। इस तरह से जैसे जिस तरह से मैंने पेंसिल पकड़ी थी उसी तरह से मैंने मेहंदी का कोन पकड़ा है। अब जो ये दो फिंगर है इसके बीच में हम ये पॉइंट रखते हैं ताकि ये मेहंदी ये कोन को सपोर्ट रहे और जो हमारी मेहंदी है वो सही तरीके आ सके। और ये अंगूठी की मदद से हम यहाँ से प्रेस करते हैं जिसके वजह से मेहंदी है हमारी डार्क आती है, थिक आती है, वो आपके अंगूठे पर डिपेंड करता है कि आप यहाँ से किस तरह से ये कोन को प्रेस करते हैं उस पर डिपेंड करता है। अब ये आपके अंगूठे के प्रेशर पर डिपेंड करता है कि आपको मेहंदी किस तरह से निकालनी है। अगर आप एकदम थिन लाइन बनाना चाहते हैं तो ये अंगूठे को बहुत ही हल्का प्रेस करें। इस तरह से और अगर आप थिक लाइन बनाना चाहते हैं तो बस आपको यहाँ पर कोन का जो प्रेशर है उसे थोड़ा सा हाई करना होगा इस तरह से। तो ये आपके हाथ पर डिपेंड करता है। जो बिगनर्स है जिन्हें मेहंदी का कोन कभी पकड़ा ही नहीं है या कभी मेहंदी यूज करी ही नहीं है, अगर आप फर्स्ट टाइम मेहंदी के कौन से मेहंदी पाड़ेंगे तो आपकी मेहंदी भी सही नहीं आएगी, आपको कौन पकड़ते भी नहीं पाएगा क्योंकि आपके हाथ को कौन पकड़ने की प्रैक्टिस नहीं है। तो एटलीस्ट आप 10 से 12 दिन इसकी प्रैक्टिस करें। जरूरी नहीं है कि आप कोई डिजाइन ही प्रॉपर ले ले, आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप लाइनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, फ्लावर बना सकते हैं, बस आप प्रैक्टिस करें। और अभी जब आप स्टार्टिंग में मेहंदी सीख रहे होते हैं तब आपको ये टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है कि अभी सफाई लानी है आपको मेहंदी के, नहीं, आपको जैसी मेहंदी आ रही है आप जिस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं बस आपको मेहंदी बनानी है, फिनिशिंग की टेंशन नहीं लेनी है। जब तक आपको प्रॉपरली कौन पकड़ना नहीं आता, चलाना नहीं आता है, तब तक आप मेहंदी पर फोकस ना करें, बस अपने मेहंदी की हाथ पर फोकस करें। एक बार आपके हाथ को मेहंदी का कौन पकड़ना सही तरीके से आ गया और आप मेहंदी चलाना सीख गए तो धीरे धीरे आपके हाथ में सफाई भी आ जाएगी। जो भी बिगनर्स है वो एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेहंदी का कोन हाथ में पकड़ रहे हैं और आपको मेहंदी का कोन सही तरह से चलाना नहीं आता या चलाते चलाते आपका कोन गिर जाता है तो बिल्कुल टेंशन ना ले, फर्स्ट टाइम है तो आपका ऐसा होगा। 10 से 12 दिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी तभी आपका हाथ सेट हो पाएगा कि मेहंदी किस तरह से आती है। और स्टार्टिंग के दिनों में आप बिल्कुल परफेक्टनेस का बिल्कुल ध्यान ना दें कि आपकी मेहंदी में सफाई आनी ही चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में किसी की भी नहीं आती। अगर मैं भी जब सीख रही थी तो मेरी भी नहीं आती थी। तो आप बस मेहंदी के कोन से प्रैक्टिस करें, कुछ भी प्रैक्टिस।